गुड मॉर्निंग 12th स्टैंडर्ड। कल हमने टाइप ए बी सी तक कंप्लीट कर लिया था, अब हम आ जाएंगे टाइप डी पर। अब टाइप डी जो है, अच्छा टाइप डी स्टार्ट कर उससे पहले कल की एक बात मैं बताने वाला था। कल हम जो सम बोर्ड पे कर रहे थे उसके जो भी आंसर आए थे परफेक्ट, और जो पैम्पलेट में आंसर दिए गए वो रॉन्ग दिए गए। कुछ ऐसे सम है जिनके आंसर गलती से रॉन्ग आ गए है, हो सकता है वो बुक में जो प्रिंट थे गलत वो प्रिंट हो गए थे। मैं इनका सॉल्यूशन टाइप सी का पूरा सॉल्यूशन भेजूंगा। जो हमने बोर्ड पे याद होगा कल हमने 13 नंबर सम किए थे तो अलग आंसर आ रहे थे, जो पैम्पलेट में दिए गए हैं उसके कंपैरिजन में आंसर अलग आ रहे थे। तो जो करेक्ट आंसर मैंने बोर्ड पे लिखे थे वो सही है, और इसके बाद वाले जो आपने सम जो किए थे 14, 15 उसमें भी शायद हो सकता है अलग आंसर हो। तो मेरे पास पूरा सॉल्यूशन के साथ पड़ा है तो मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप जो करेक्ट आंसर है उसे मैच कर पाओगे, राइट। अब हम आ जाते हैं टाइप डी। टाइप डी स्टार्ट कर उससे पहले एक जनरल बात मैं बताना चाहूंगा। अभी तक आपने बेसिकली दो इंडेक्स देखे, कौन से इंडेक्स देखे? एक का नाम है फिक्स बेस, एक का नाम है चेन बेस। फिक्स बेस में क्या होता है, किसी एक ईयर को फिक्स बेस ले लेते हैं और सभी के कंपेरिजन उसके साथ करते हैं। चेन बेस में क्या होता है, एक ईयर उसके बाद वाला जो ईयर हो उसके लिए चेन बेस आगे की होगी। मतलब जैसे 2006 का बेस होगा 2005, 2007 का बेस होगा 2006, 2008 का बेस होगा 2007। तो इस तरह से हमेशा जो आगे का ईयर है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने फिक्स बेस काउंट कर लिया है, हमें उसको कन्वर्ट करना है चेन बेस में। याद रखना फिक्स बेस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, मतलब अभी आपको डेटा नहीं दिए जाएंगे, प्राइस प्रोडक्शन या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आपको लिखा क्या होगा, ध्यान से वर्ड सुनना मैं क्या कह रहा हूं, लिखा क्या होगा, ऐसा लिखा होगा यू आर गिवन द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कन्वर्टेड इन चेन बेस। मतलब आपको फिक्स बेस इंडेक्स दिया जा रहा है, आपको उसको चेन बेस में कन्वर्ट करना है। जैसे अभी मैं ये बात कर रहा हूं एग्जांपल नंबर 16 की, 16 में देखोगे मैंने बोर्ड पे लिख के भी रखा है, मुझे ईयर दिया हुआ है और फिक्स बेस इंडेक्स दिया हुआ है। मींस यू नीड नॉट टू कैलकुलेट फिक्स बेस इंडेक्स, आपको फिक्स बेस इंडेक्स काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कहा गया है कि ये जो फिक्स बेस है उसको चेन बेस में कन्वर्ट करना है। मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहा हूं, इसके लिए क्वेश्चन के वर्डिंग को ध्यान से पढ़ना। देखो क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय फिक्स बेस मेथड। मतलब हमने जो फिक्स बेस मेथड इंडेक्स काउंट किया है उसे आप कन्वर्ट करो। किस चीज का इंडेक्स है, अबाउट प्रोडक्शन ऑफ अ क्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ अ स्टेट इनटू चेन बेस इंडेक्स। मतलब नीचे हमने आपको फिक्स बेस दिया हुआ है उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, चेन बेस में। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल जैसे कर रहे थे। चेन बेस इंडेक्स ढूंढना है, फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। जैसे मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आप चेक कर लो फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर। अभी आप जो 2009 कर रहे हो वो करंट ईयर है, 120 मैंने रख दिया, उससे ऊपर है क्या कुछ, नहीं है, राइट। तो सेम रख दो 120, ऊपर अगर कुछ हो जो नेक्स्ट सम में है मैं बताऊंगा, अभी ऊपर कुछ भी नहीं है। 2009 के आगे 2008 आपको नहीं दिया हुआ है, तो 120 ऊपर भी हम मान लेंगे, 120 इंटू 100 करेंगे तो फर्स्ट ईयर का आपका आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्या होगा, 130, तो करंट ईयर का जो फिक्स बेस है, करंट ईयर का फिक्स बेस है वो 132, और आगे का जो फिक्स बेस है, फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब जो अगर हम ये 2010 कर रहे तो प्रीवियस ईयर हुआ 2009, तो ये 120 इंटू 100 इंटू 100 करके देखो तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो 110। उसके बाद हम आ जाएंगे 2011 पर, 2011 में देखो फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर जो 96 दिखा है और फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर जो 132 है, तो 96 डिवाइडेड बाय 132 इनटू 100। अगर मैं इसे सॉल्व करके देखूं 96 डिवाइडेड बाय 132 इनटू 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 72.73। मेरे पास सॉल्यूशन किया हुआ है तो मैं उसमें से देख रहा हूं, सॉल्यूशन में 72.73 आ रहा है। अगेन मैं देख रहा हूँ फिक्स बेस का करंट ईयर, करंट ईयर का फिक्स बेस जो 144 है,
डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर चेन बेस में कौन सा होता है आगे का 96 इंटू 100। अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो आपका आंसर आ रहा है 150। आपका आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है 150। मेरे पास सॉल्यूशन भी किया हुआ है उसमें भी 150, ये मैंने 150 दिखा दिया राइट। उसके बाद है फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर जो 138 है। मैंने आपको कहा था जब भी आप लिखो ना एक एक लाइन का गैप छोड़ना। मेरे पास जैसे सॉल्यूशन किया हुआ है, मेरे पास एक लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की नोटबुक है, कैसे किया हुआ है, एक लिखा हुआ है एक लाइन छोड़ के दूसरा, तो उससे क्या होगा आप जो कैलकुलेशन करोगे बिल्कुल परफेक्ट आएगी, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पूरा कंसिस्टिंग जैसा लग रहा है वो आपको नहीं लगेगा। 138 डिवाइडेड बाय 144 इनटू 100 आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 95.83 आ गया। सेम वे में 108 डिवाइडेड बाय 138 इनटू 100 यहाँ पर आपका आ जाएगा जो लास्ट आंसर दिया है 78.26। तो इस तरह से आपको फिक्स बेस इंडेक्स दिया गया हो तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, चेन बेस में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये मैंने 16 आपको करवा दिया, 17 अगर हम देखें ना बिल्कुल सेम है बट थोड़ा सा नया, थोड़ा सा चेंज क्या है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के समझा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 17 जब आप देखोगे, मैंने क्वेश्चन आधा अधूरा बोर्ड पे लिखा है, मतलब जितना मुझे समझाना है मैंने लिख लिया है राइट। 17 आप देखोगे तो ऊपर की सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द कमोडिटी विथ बेस ईयर 2007-8 आर एज फॉलो, बेस ईयर 2007-8 आर एज फॉलो। और नीचे आप देखोगे ना क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 2008-9-9-10 ऐसे दिया हुआ है, लास्ट में 15-16 तक जा रहा है बट मैंने उतना कवर नहीं किया है, भले आप कर लेना हो बट नॉर्मली आप ऑब्जर्व कर लो आपको क्या कहा गया है, बेस ईयर 7-8 ऊपर इंफॉर्मेशन में है, नीचे नहीं दिया हुआ है। बट मैं जब भी अपनी इंडेक्स नंबर बनाऊंगा तो मुझे 7-8 यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, नीचे इंफॉर्मेशन भले 8-9 से है बट ऊपर मेंशन करके दिया है कि हमारा बेस ईयर 7-8 है। जो आपने 16 किया इसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आप चेक कर लो बेस ईयर आपका कौन सा है, 8-9 है, बेस ईयर आपका कौन सा, सॉरी बेस ईयर कौन सा है, 7-8 है। तो यहाँ मैंने क्या रखा, बेस फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर जो 100 दिखा रहा है डिवाइडेड बाय फिक्स बेस, उससे प्रीवियस ईयर तो कोई नहीं है तो 100 इनटू 100 सॉल्व करोगे तो इसको 100 आएगा। सेम वे में अभी मैं नेक्स्ट सॉल्व करूंगा फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर जो 126 है और फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का जो फिक्स बेस इंडेक्स है वो 100 है, इंटू 100 कैंसल होगा, यहां पर आपका क्या आएगा 126। अब क्या होगा 130.8 जो फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर है, 130.8 जो फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर है और प्रीवियस ईयर का आप चेक कर लो कितना है 126 इंटू 100। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। तो न्यू पॉइंट इस सम में क्या थी, न्यू पॉइंट ये थी कि हमें 8-9 से शुरू किया गया था बट 7-8 बेस ईयर है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें ऊपर है। और आपको याद रखना बेस ईयर में इंडेक्स हमेशा 100 होता है, बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है। सेम लॉजिक आप यूज किया हुआ है, सेम लॉजिक आपका यूज किया हुआ है 18 में भी ऐसा लिखा हुआ है विथ बेस ईयर 7-8 और इंफॉर्मेशन कहां से शुरू की गई है 8-9 से। उसी तरह से 19 में देखो द फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ द फूड फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू अक्टूबर इन द ईयर, सिंपल दिया हुआ जनवरी टू अक्टूबर और उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि बेस ईयर ये है, तो आप शुरुआत कहां से करने वाले हो, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। और जनवरी के डेटा आपको कितने दिए गए हैं 271, मेरे पास सॉल्यूशन भी दिया हुआ है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के ये डेटा है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। बट इसके अंदर भी मैं कहूँ आंसर की मिस्टेक है, जनवरी से लेकर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के डेटा दिखाए गए हैं, ये मेरे पास सॉल्यूशन किया हुआ है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी में पहली फिगर है 271, तो 271 उससे ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 271 डिवाइडेड बाय 271 इंटू 100 तो आपका आंसर आ जाएगा 100।
बट नीचे जो आंसर दिए गए हैं उसमें शायद आंसर दिया गया है जनवरी में 109, जो बिल्कुल गलत है। तो कुछ कुछ आंसर गलती से रॉन्गली आपके दे दिए गए हैं। आप जब भी करो तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका आंसर रॉन्ग है। अब जैसे आगे वाले जितने भी थे वो करेक्ट आ रहे थे, 17 का आंसर करेक्ट था, 18 का आंसर करेक्ट था, बट ये जो 19 है उसमें आंसर में मिस्टेक है। उसके बाद अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 में मेरे पास आंसर लिखा हुआ है 100, 112.5, 20 में करेक्ट आंसर। तो आज आप इस वीडियो में जो मैंने सिखाया, आप 20 नंबर तक आराम से सम कर सकते हो, 20 तक आप कंप्लीट कर लेना। टाइप ई मैं कल से स्टार्ट करूंगा, आपको आज टाइप डी तक मतलब 20 नंबर सम तक कंप्लीट कर लेने हैं। एक आध में आंसर में थोड़े प्रॉब्लम है तो वो बाद में हम देख लेंगे, मेरे पास सॉल्यूशन है तो व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको वो भी भेज दूंगा। तो अगर आपका कहीं कंफ्यूजन होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब आपको 20 नंबर तक सम कंप्लीट कर लेने हैं, बाकी का जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।